फटाफट जाता हूँ, काफी अंधेरा, मेरे को डर भी लग रहा है। अरे भाई गेट भी बंद है, मेरे को तो डर लग रहा है, बट गेट तो खुल गया भाई। ऑर्डर है क्या भैया? ऑर्डर है क्या? ये रहा भाई मेरा रूम, पहले खाते हैं, भूख लगी बहुत तेज। तो क्या आया है? ये शायद बर्गर है। और क्या है भाई? चलो ये फ्राइज है क्या? काफी टेस्टी है भाई। Hey guys, welcome to my new vlog. तो कैसे हो यार आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। गाइज आज का व्लॉग काफी इंपॉर्टेंट है। काफी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अभी बज रहा है 3:02 AM, मतलब रात का 3 बज रहा है। इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला आज का व्लॉग। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यार बहुत सारे लोग मेरी वीडियो तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैंने यार रूम कर दिया है खाली। देख सकते हो मेरे रूम में कुछ भी सामान नहीं। मेरी ट्रॉली रेडी है, बैग रेडी है मेरा, क्योंकि मेरे को अर्ली मॉर्निंग यहाँ से जाने का है। क्योंकि आज भर मैं यहाँ पे रुक गया हूँ, क्योंकि 2 दिन मैं अपने फ्रेंड के घर पे रहने वाला हूँ। तो मैंने सामान अपना सारा उधर शिफ्ट कर दिया अपने फ्रेंड के घर पे। और आप लोग मेरे को सजेस्ट करके बताओ, क्योंकि यार मेरे को ना मुंबई साइड रूम लेने का है। क्योंकि यहाँ से लाइक मैं अगर 1 मिनट आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी, मेरे को ये देखो कॉल आ रहा है, आपको खुद पता लग जाएगा किसका कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ जी भैया, कहाँ? ओके ओके, आप SRT के गेट पे आओ ना सर, गेट पे, बैक साइड के गेट पे आओ ना। एक मिनट मैं नीचे आता हूँ, मैं नीचे आता हूँ रोड पे। ओके ओके। तो गाइस मैंने ना आपको बताना भूल गया कि मैंने ना यार आज रूम में जैसे आया ना तो मेरे को आके लेट हो गया था। बट आज मेरा बैड लक भी था, क्योंकि मैं होटल से खाना लाने गया था तो खाना खत्म हो चुका था वहाँ पे, लेट हो गया था मेरे को, 11:30 बज गया था। यहाँ पे सिर्फ एक ही होटल है और एक पास में होटल है बट थोड़ा दूर है, इसके लिए मैं इसके पास जाता हूँ, पास वाले के पास। तो मैंने यार ऑर्डर किया था जोमेटो से, थैंक गॉड कि उसने एक्सेप्ट ले लिया मेरा ऑर्डर। जो भी डिलीवरी बॉय आया होगा ना भाई, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को नहीं पता कौन आया होगा बट वो नीचे आ चुका है, मैं वहाँ तक जाऊँगा ताकि उस भाई को भी थोड़ा सा हेल्प मिल सके कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ेगी ना यार उसे। मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूँ, इसके लिए मैं जा रहा हूँ, पहले अपना ऑर्डर लेके आता हूँ फिर खाता हूँ, भूख लगी बहुत तेज। बाकी की चीज़ें मैं आपको खाने के बाद बताऊँगा। यार बाहर तो बहुत अंधेरा है, मैंने जैसे गेट खुला ना मैं डर गया, लॉक उठा के ना पहले लगा लेता हूँ, क्योंकि यार रात पे ना इधर समझ सकते हो। बट ऐसे मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा रूम ना खाली है, पूरा मैंने रूम खाली कर दिया, तो चोरी वोरी का डर नहीं है मेरे को। पहले लॉक लगा लेता हूँ फिर आपसे नीचे मिलता हूँ। पता नहीं यार भाई वो बंदा खड़ा होगा जोमेटो वाला, फटाफट जाता हूँ, काफ़ी अंधेरा, मेरे को डर भी लग रहा है। बट यहाँ पे तो लाइट जल रही है, बट साहब 3:30 बज गए, डर भी लग रहा है मेरे को बाहर जाने में। अरे भाई गेट भी बंद है, मेरे को तो डर लग रहा है, बट गेट तो खुल गया भाई, कितना अंधेरा है, पता नहीं वो बंदा कहाँ खड़ा है भाई। एक बंदा घूम रहा है हेलमेट लगा के, यही है शायद। ऑर्डर है क्या भैया? ऑर्डर है क्या? लोकेशन सही मिला था ना? हाँ भाई लोकेशन सही मिला था ना? हाँ ये आपने शेयर कर दिया था वही। हाँ अरे एक्चुअली क्या ना, कई बार मैंने ऑर्डर किया तो वो पीछे का वेस्ट के साइड का ले लेता ऑर्डर, वो HGR को बता रहा था मुझे। पहले पेमेंट ले लो, आपको इसलिए आपको ये किया ना, काफी अंधेरा इधर। तभी मुझे आपने कॉल किया ना, मैं तभी इसलिए आपको बोला। आपका करंट लोकेशन? भैया मैं व्लॉग बनाता हूँ यूट्यूब पे, तो आपकी वीडियो डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं नहीं कोई। एक्चुअली क्या है ना कि मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ लोगों को, अच्छा, जो भी लोग हैं मेरे अपने सब देखते हैं वीडियो। ठीक है ना, पेमेंट सही? हाँ हाँ पेमेंट सही। ओके थैंक यू भैया, थैंक यू। यार काफ़ी अंधेरा है, ऑर्डर ले लिया मैंने यार, मुझे बहुत डर लग रहा था नीचे आने में, क्योंकि इतनी रात को ना मैं नीचे नहीं आता हूँ, क्योंकि यार अपने रूम में रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, बिल्डिंग के अंदर आ गया हूँ तो चलो मैं सेफ हूँ। भाई ऊपर तो चढ़ गया हूँ भाई, 3rd फ्लोर पर चढ़ना पड़ता है, ऑर्डर कहाँ रखूँ, लॉक लगा के गया था, चलो सेफ है सब, थैंक गॉड। यार जो भी बंदा आया था ना डिलीवरी के लिए ऑर्डर लेके मेरा, बहुत ही अच्छा था यार। मतलब मैंने कुछ देर बात करी उससे वीडियो रोक के भी, काफ़ी अच्छा था। बट मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे किसी की वीडियो बनाई और मैंने यार उससे परमिशन ले ली कि भाई मैं यूट्यूब पे ब्लॉग बनाता हूँ तो आपकी वीडियो डाल सकता हूँ क्या? तो ना मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो थैंक यू भाई। पहले खाते हैं, भूख लगी बहुत तेज
फिर बाकी की चीज़ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ आज मैं आपको। तो गाइस ये रहा मेरा ऑर्डर, देखता हूँ क्या आया है। ये शायद बर्गर है, भूख बहुत तेज लगी है यार। और क्या है भाई, चलिए फ्राइज है क्या, साथ में कैचअप। ओ माई गॉड, इसको इधर रखते हैं कि बिस्तर पे गिर जाएगा। टिश्यू भी दिया साथ में। चलो यार भूख लगी बहुत तेज, पहले देखता हूँ। और ये ना यार बॉटल में, दो तीन बॉटल में थोड़े थोड़े पानी बचे थे तो मेरे पास काम में आ गए, नहीं तो मैंने सारा पानी फेंक दिया था जब रूम खाली किया था ना, मतलब रूम मैंने कल ही खाली कर दिया था। और थोड़ा सा सामान बचा था इसमें। ट्रॉली मेरी रेडी है, अभी खाऊंगा और सोऊंगा और सीधा मैं अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊंगा। यार पता नहीं आज मेरा फ़ैन भी ना बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, तो पहले ना यार मैं ये बर्गर खा लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ, क्योंकि भूख लगी मेरे को बहुत तेज। काफ़ी टेस्टी है भाई। और रात को जो 3-4 बजे खाने का स्वाद ना वो और भी ज़्यादा हो जाता है, मतलब अलग से फील आती है। चलो पहले खाने दो मेरे को, ठीक है, खाने के बाद मिलता हूँ आपसे। यार खा लिया हूँ, पेट भर गया तो सच में आज सुकून आया है, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगी थी मेरे को। और जल्दी जल्दी मैंने ऑर्डर भी कर दिया और व्लॉग बनाना शुरू कर दिया, तो मेरे व्लॉग में सब चीज़ें भी आ गई। और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात ये बताने वाला था कि मैंने यार रूम तो खाली कर दिया है विरार से, क्योंकि पहले मैं रहता था विरार में, देख सकते हो पूरा रूम मेरा, किचन वगैरह सब पूरा टोटली खाली कर लिया है। चलो मैं आपको अंदर का दिखा देता हूँ, ये देखो कैसा कचरा पड़ा है। ये बॉटल वगैरह जो मैं पानी पीता था लाके वो सब पड़ा, पूरा खाली कर दिया मैंने, देख सकते हो। बस मेरी ट्रॉली रेडी है, सुबह उठाऊंगा, अर्ली मॉर्निंग मेरे को निकलने गए, जैसे ही मैं सो के उठा और निकल जाना है मेरे को यहाँ से, क्योंकि मेरे को 2 दिन फ्रेंड के घर पे रहने का और उसके बाद नया कहीं रूम ढूंढने का है मेरे को, मुंबई साइड रहने का है। तो आप लोग मेरे को सजेस्ट करके बताओ कि मुंबई में कौन से एरिया में मेरे को सही रूम मिल सकता है, जहाँ पे मतलब आप लोग पता है कि मैं कैसे रहता हूँ, मतलब फ्रीडम, मतलब मेरे को पूरा फ्रीडम चाहिए, मतलब लैंडलॉर्ड का कोई मतलब कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। मैं कभी भी आऊँ 2-4 बजे, मतलब कभी भी रात में आऊँ लेट नाइट, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये रूम था ना यार, यहाँ पे मेरे को कोई भी टेंशन नहीं था, ऑनर से मेरे को कोई मतलब ही नहीं था, बस मैं उसको रेंट भेज दिया करता था और उसने मेरे को कभी टोका नहीं, बोला नहीं, या फिर बिल्डिंग में किसी ने मेरे को कुछ भी नहीं बोला, तो बिल्डिंग वालों का भी थैंक्स कि मेरे को आज तक कभी कुछ नहीं बोला। मैं कभी भी आता था, कोई टाइमिंग मेरी फिक्स नहीं थी, मैं रात को 2-3-4 बजे कभी भी आ जाता था। बट मैं जब नया रूम लूँगा तो मुझे नहीं पता कि मेरे को इतना फ्रीडम मिल पाएगा कि नहीं, मैं बाहर निकल पाऊँगा कि नहीं, क्या पता वहाँ पे ये कंडीशन होगी कि 11 बजे के बाद आपको बाहर नहीं निकलना है, मतलब आप कहीं भी रहो तो आप 11 बजे से पहले पहले आ जाना रूम पे, मतलब लाइक पीजी टाइप। मैंने एक रूम देखा था, रेट मतलब उसका ना 3000 था, तो बट वो पीजी था, मैंने नहीं लिया। बट मैं मुंबई साइड रहना चाहता हूँ क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि यहाँ से ना यार अगर मैं विरार में रहता हूँ तो बैंड्रा लाइक चर्चगेट में जाता रहता हूँ, मतलब बिजनेस से रिलेटेड या फिर कुछ पर्सनल काम या किसी से मिलना या फिर व्लॉग के लिए ही, आप लोगों के लिए मतलब, तो मेरे को यार काफ़ी दूर पड़ता था और काफ़ी ट्रैफिक होती थी, बहुत ज़्यादा ट्रैवल में दिक्कत होती थी, क्योंकि लोकल का ट्रैवल मैं नहीं कर पाता हूँ, ये आप लोग भी जानते हो। तो सजेस्ट करके बताओ मेरे को मुंबई के किस एरिया में रूम लेना चाहिए, मैं वहीं पे लूँगा जिसका कमेंट मुझे लगेगा ज़्यादा है, तो मैं उस एरिया में लेने की कोशिश करूँगा। रात बहुत हो गई है, मेरे को सोना है और सुबह उठ के मेरे को जाना है। आप लोग तो सो रहे हो, मेरे को पता है कि आप लोग मज़े से सो रहे हो, क्योंकि रात का 4 बज रहा है अभी, और जब मैं सुबह उठूँगा तो पता नहीं कल का नया दिन कैसा होगा मेरा। थैंक गॉड कि आपका भी दिन अच्छा हो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।